The Prime Minister is going to Sri Lanka on the cusp of the Sri Lankan Prime Minister's statement threatening to shoot Indian fishermen out of hand. And you do not hear a word on that from the Prime Minister. So it begs the question, is this how India's national interest will be protected? कल इस बारे में विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है. हमारे गृहमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हमेशा बयान देते हैं कि हम कितने मजबूत हैं, हम कितने सक्षम हैं, हम कितने ताकतवर हैं. लेकिन हमारे पड़ोसी देश इस प्रकार से हमारे तरफ अगर आंख उठाकर देखते हैं, छोटे छोटे देश भी, और जो हमारे हमसे छोटे देश है और हमारे साथ सालों साल का उनका रिश्ता रहा है, ऐसे देश भी हमारे तरफ आंख उठाकर देखते हैं और इस प्रकार की भाषा करते हैं. हिंदुस्तान इस महाखंड में, द्वीपखंड में एक महासत्ता है. इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं हमारे खिलाफ, तो उसकी बारे में गंभीरता से लेना पड़ेगा. दैट इज टू क्रिएट फ्रेंडशिप अमंग वेरियस नेशंस एंड टू सीक इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया. दैट इज अ गुड मूव. आई डोंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द मूव. But primarily, the Prime Minister should create an investor-friendly atmosphere within the country. Then investors will come.